अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कोई साक्षी है ना, आप लोगों की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। मोबाइल पीछे करो, मोबाइल करो। सहयोग करें, शहर को निवेदन करने निकले क्योंकि लोग सब अपने देवास के परिवार है, निवेदन में सहयोग करें तो नगर निगम की टीम को मजबूरी में कार्रवाई करें। आपका सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक जितना था ठीक है, जवाब अपन अपने यहाँ पे चला रहे थे, पर आप लोगों का सहयोग बहुत बाहर का सामान अंदर करवा ले, ये हमारा आग्रह निवेदन है सर, कुछ आप करने में नहीं तो फिर आप गाड़ी करवा, हमारा आग्रह है जो भी हो, थोड़ा सा निवेदन है शहर को साफ सुथरा बनाने में आप हम सब साथ में साथ भैया आज जो शहर में आप निकले हैं और लोगों से बोल दिए हैं और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई चालू है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आज हम लोग सब नगर निगम की समस्त टीम व्यापारियों से आग्रह करने निकली है, जो आज से चार दिन पहले भी हम ही नगर निगम वाले सब निकले थे, हमारे महापौर उस समय पर धार्मिक यात्रा पे थे, आज हमारी महापौर भी आई, मैंने उन लोगों से भी आग्रह करा कि आप लोग तो बिल्कुल जो अभी दुर्गेश जी ने आपको बताया कि जैसे कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वाकई में मुझे 30 साल हो गए इस एमजी रोड पे खड़े खड़े, मुझे पता है कि इस एमजी रोड के व्यापारियों का दुख दर्द क्या है, आज यहाँ से व्यापार शिफ्ट होके ए बी रोड पर सिर्फ इसलिए जा रहा है कहीं तो वो हम लोगों की भी या कैसा भी हो आगे हम लोगों की भी कहीं थोड़ी ढील हुई या जो भी है, पर आज हम उस तरीके से निकले हैं, आज ये अलग जगह है, मैंने उस दिन भी आप लोग मीडिया बंधु थे जब मैंने बोला था कि ये अलग जगह है, अब से व्यापारी हम लोग सब साथ में है, व्यापारियों का भी बड़ा मन है कि देवास से जो पूरा परंपरागत बाजार है ये यहाँ पर ही स्थापित रहे, यहाँ से जब व्यापार चला जाएगा अगर उठ के ए बी रोड पर तो फिर नया बाजार कैसे बसेगा, वही है उसी कारण हम लोग निकले हैं और व्यापारी हमारे साथ में है, आज यहाँ की स्थानीय पार्षद हमारी दिव्या भाभी भी हमारे साथ में है और हमारी महापौर भाभी भी साथ में है, हम लोग सब निकले हैं और सभी व्यापारियों से हमने आग्रह करा, उस दिन हमने एमजी रोड पकड़ा था, आज हमने शामलात रोड पर सभी लोगों से आग्रह करा और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, सिर्फ एमजी रोड और शामलात रोड अतिक्रमण हटाना हमारा सिर्फ हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हमारा पूरा शहर अतिक्रमण मुक्त हो, हमारा पूरा शहर स्वच्छ दिखे, हमारे चौराहे चौड़े हों, यही आपके माध्यम से सभी व्यापारियों से और तमाम नागरिकों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ।
ने आपको निमंत्रण भी दिया रही बार को आने नहीं, मैंने मैंने सांसद जी जो कि हमारे सांसद है और मार्गदर्शक है और मेरे तो कभी से जब से वो देवास में आए जब से मेरे मार्गदर्शक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बयान आया तो बयान तो यही है ना, उनके सुझाव और उनके मार्गदर्शन जो है वो तो सादर आमंत्रित रहेगा। मैंने भी बेबेन ने भी लिखा था और उसके बाद में मैं कुछ नहीं लिख सकता। हमको मालूम है सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारी महापौर, हमारे पार्षद, मैं खुद, हम सब देवास के लिए, देवास के विकास के लिए संकल्पित हैं। और आप कम से कम आप लोगों से आग्रह है इन बयानबाजियों पर आप ध्यान मत दें। और हमारे देवास का विकास कैसे हो सकता है, मैं तो आपसे ही बोलता हूँ कि आप भी हमको टिप्स दो। हो सकता है हम लोग भी सब नए जनप्रतिनिधि हैं, कुछ गलतियां हुई हों हमसे, कुछ अच्छे काम भी हुए हमसे। आप लोगों की अगर हमको टिप्स आएगी तो निश्चित रूप से देवास एक लंबी ऊंचाई पर पहुंचेगा, एक नंबर से 10 नंबर तक आना। और ये अब फालतू की बयानबाजी पे हम नहीं पड़ रहे हैं, हम जो भी हमारा बेस्ट हो सकता है वो हम करेंगे। उम्मीद है कि देवास की जनता हमारा साथ देगी और निश्चित रूप से फिर जब ये बात आती है कि हमको एक नंबर या 10 नंबर के 10 नंबर पहले 10 नंबर में आना है तो हम आएंगे, और मौका मिलेगा तो हम एक नंबर पे भी आएंगे। सभापति और महापौर दोनों विजन एक है, हम सब लोग शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और आपके प्रश्न मन के भाव को मैं जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी में महापौर सभापति में कोई मतभेद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब लोग साथ में हैं। और सभापति जी ने भी उस दिन जो भ्रमण किया था जो कि महापौर की धार्मिक यात्रा पर थी और वो बाहर थी, तो महापौर की अनुपस्थिति में सभापति जी की ड्यूटी बनती है, उन्होंने वो सारे काम करे जो करना थे। सांसद जी भी हमारे शहर के ही नहीं, हमारे लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे लोकप्रिय सांसद है, वो भी यदि शहर इतनी चिंता कर रहे हैं, उनको शहर इतनी चिंता कर रहे हैं। और उसमें सभापति जी ने बोला है माननीय सांसद जी के सुझाव होगा, उन सारे सुझावों को हम अमल में करते हुए शहर इसमें जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो सब हम करेंगे। भैया इसके बाद अपन काम कब से शुरू करेंगे? आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आया है, जब महापौर चुन के आए थे और परिषद बनी थी तब मीडिया का सबसे पहला सवाल था कि एमजी रोड का अतिक्रमण कब हटेगा और एमजी रोड चौड़ीकरण कब होगा। पहले बयान में महापौर जी की तरफ से हमने बोला था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, महापौर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये पहले दिन बोला था। और माँ चामुंडा की कृपा, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारी लोकप्रिय विधायक का मार्गदर्शन, जिसके अंदर हमने 6.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बना के मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंदर शासन को भेजा था। और आज मुझे खुशी के साथ कहने में आता है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना में 6.5 करोड़ रुपये की हमें स्वीकृति मिल चुकी है। और उस 6.5 करोड़ रुपये की राशि से हम सयाजी द्वार से लेकर जनता बैंक तक पूरा 15 मीटर का रोड बनाएंगे, चौड़ीकरण करेंगे, उसका सुंदरीकरण करेंगे, डामरीकरण होगा, सीमेंटीकरण, नाले बनेंगे दोनों साइड, पाथवे बनेगा, अंडरग्राउंड लाइटिंग होगी, इसके साथ ही सुंदर स्ट्रीट लाइट लगेगी और ये शहर का हमारा मॉडल रोड कहलाएगा। जैसा कि बोला था ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आज वो हम सफलता की ओर है। 2 महीने की इसकी प्रोसेस होती है, टेंडर लगाएंगे, फिर रेलवे जारी होगा, एग्रीमेंट होगा, वर्क ऑर्डर होगा। और एक ऐसा मेरी जानकारी है कि बारिश में हम स्थायी अतिक्रमण हटाना भी नहीं चाहिए, उस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे। और 2 महीने में सारी प्रोसेस को करके बारिश के बाद में हम सभी से आग्रहपूर्वक निवेदन पूर्वक शहर हित में, व्यापारी हित में स्थायी अतिक्रमण है उसे हटाने का भी निवेदन करेंगे। और उसके बाद में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देवास का व्यापारी उसमें सहयोग करेगा। इसके बाद भी यदि कहीं कठिनाई आती है हम सख्ती करने में भी नहीं हिचकेंगे और इस शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाएंगे।